आज के लेसन में हम देखेंगे कि आप YouTube सब्सक्राइब बटन कैसे ऐड कर सकते हैं अपने WordPress थीम के साथ। तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे अपीयरेंस में जाते हैं और अपीयरेंस में आपके पास विजेट्स हैं और विजेट्स में मैं YouTube जो ऐड करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल साइन इन विजेट्स के नीचे, जैसे कि यहाँ पे आपके पास हमने ऐड किया था, अब ये हमारे पास साइन इन विजेट और यहाँ पे इसके नीचे मैं YouTube ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए आपने सबसे पहले अगर आप वर्डप्रेस में डैशबोर्ड में आपने अपीयरेंस पे क्लिक करना है, वहां पे विजेट्स पे क्लिक करना है और विजेट्स में आपके पास यहाँ पे विजेट हो गए टेक्स्ट के नाम से, इसको ड्रैग करें और ड्रैग करके इसको टॉप साइन इन के नीचे रखते हैं। यहाँ पे मैं यूट्यूब का कोड पेस्ट करूंगा, ऐड करता हूँ, यहाँ पे टाइप करता हूँ जी यूट्यूब सब्सक्राइब बटन डेवलपर, यूट्यूब सब्सक्राइब बटन डेवलपर आपने ऐड करना है और कॉन्फ़िग अ बटन पे क्लिक करें, ऑप्शन आ गए और यहाँ पे आपको देखें गूगल डेवलपर लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपने अपना चैनल जो जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है और इसका जो यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका ये फीचर को छोड़ें, यहाँ से पीछे जो ये कोड है इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, यहाँ पे जाके डेवलपर में कंट्रोल भी करके पेस्ट करें। इसका लेआउट जो है उसको आपने लेआउट भी यहां पे देना है, डिफॉल्ट फुल रखते हैं, इसको फुल रखता हूं, देखें डिफॉल्ट रखते हैं फुल मैंने रख दिया और फुल लेआउट आ गया। थीम इसका आप यहां से डार्क अप्लाई करेंगे तो डार्क आ जाएगा, डार्क में आप देखें तो अगर आपके पास बैकग्राउंड ब्लैक है, जैसे कि आपके पास व्हाइट है, सॉरी जैसे कि मेरे पास यहाँ पे इसका बैकग्राउंड व्हाइट है, तो उसमें अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो टेक्स्ट लिखा हुआ नजर नहीं आएगा क्योंकि व्हाइट कलर का टेक्स्ट इसमें ऐड हो जाता है, जैसे देखें व्हाइट कलर का टेक्स्ट है तो ये ऐड नहीं होगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे आप डिफॉल्ट रहने दें। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सब्सक्राइबर काउंटर जो है, मैंने तो उसे डिफॉल्ट ऑफ किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि वो काउंटर जो है आपके पास यहाँ पे काउंट जो है वो ऐड हो, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब काउंटर यहाँ पे आगे आता है कि इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो अगर आप वो चाहते हैं वो इसके साथ ऐड हो तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप हिडन करना चाह रहे तो हिडन कर सकते हैं, तो मेरे हिडन ही है क्योंकि मैंने चैनल से डायरेक्ट सेटिंग की हुई है। ओके, ये सारे काम करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो कोड लिखा हुआ है कंट्रोल एस से सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है यहाँ पे जाएं और यहाँ पे विजेट्स एरिया में जाके यहाँ पे कंट्रोल भी करके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ और उसको सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया, इसको यहां से क्लोज कर लें और इसको यहां से रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, आप अगर इस पर जस्ट क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस एकेडमी में चले जाएंगे, देख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गए और सब्सक्राइब वहां से आप डायरेक्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहां तक समझ आया होगा, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।